श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। पिछले एक सप्ताह मैंने यक्षिणी साधना आप लोगों को नहीं दी, आज एक यक्षिणी साधना दे रहा हूँ जिसकी खोज मैंने तब की थी जब एक साधक ने मुझे बताया कि मेरे पास एक ऐसी यक्षिणी की साधना है जिसको करने के बाद मैं कभी भूखा नहीं रहता। देखो, साधकों के साथ क्या होता है, और ऐसे लोग जो कि जिसको रिलीजियस इलनेस कहते हैं उसमें जो पड़ जाते हैं कि वो दिन भर भगवान के शरण में लगा देते हैं, तो उनके पास कमाने खाने का कोई भी जरिया नहीं रहता है। ऐसे लोगों के लिए कुछ कुछ साधनाएं हैं। देखो, जब आप बड़े स्तर के साधक हो जाते हो तो जो ब्रह्मांड है वो खुद इस चीज़ का ख्याल रखती है कि आपका भरण पोषण होता रहे। जैसे जो बड़े साधक है वो जब गुफाओं में बैठते तो महीनों बैठ जाते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये जो पंच महाभूत है यही अपने आसपास के पंच महाभूत से पोषण उठाते रहते हैं और उस समय आपको भोजन पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक आम साधक को भोजन पानी की आवश्यकता होती है। उसके जो चार जो उनकी ज़रूरतें हैं, सांस की, भोजन की, पानी की, वो उनको मिलते रहना चाहिए ताकि वो जीवित रहें। तो जब आप साधना कर रहे हो, साधना में पूरा समय दे रहे हो, आप काम धंधा कर नहीं पा रहे हो, तो फिर सिर्फ कोई पारालौकिक व्यवस्था ही आप तक भोजन पहुंचा सकती है। आप समझ रहे हो, एक तो हुआ कि परिश्रम करके आप भोजन पा रहे हो, दूसरा है कि कोई पारालौकिक व्यवस्था आप तक भोजन पहुंचा रही है। ठीक है, तो उसी पारालौकिक व्यवस्था का नाम है शंखनी यक्षिणी साधना। आपने बहुत सारा अभी इंटरनेट पे देखा होगा ऐसा शंख जो कि चावल से बाहर निकल जाता है, या फिर इच्छा पूर्ति शंख। जो असली बात है वो शंखनी का वो ये है कि ये एक शंख में विराजने वाली यक्षिणी होती है। तो शंखनी यक्षिणी की साधना कैसे करता है? शंखनी यक्षिणी की साधना में अनिवार्य सिर्फ एक चीज़ है, वो है एमेथिस्ट की माला। जो पर्पल कलर की माला होती है ना पत्थर की, वो हमें चाहिए होगी इसकी साधना के लिए। बाकी जो यक्षिणी साधना में आप लोगों को पहले व्यवस्था बताया है उसी व्यवस्था में वही सब सामग्री आप लोगों को चाहिए होगी। सुबह सुबह उठ करके, बिल्कुल ही सुबह जब सूर्योदय होता है उस समय इनके मंत्र का 11,000 जाप होता है। 11,000 जाप होने के बाद इनका 108 बार करवीरा के फूल को घी में डुबा करके हवन किया जाता है। इससे शंखनी यक्षिणी प्रसन्न हो जाती हैं। एक बार जब ये प्रसन्न हो गई तो आपके साथ ये हमेशा रहेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से इनका प्रत्यक्षकरण नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, कभी भी आपको भोजन या धन की कमी नहीं होगी। मतलब आप ऐसा सोचोगे कि राजमहल खरीद लेंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपको कष्ट नहीं होने देती है। रोज इनका एक माला उसके बाद जाप करना है। इनका मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ह्रीम शंखधारिणी द्राम द्रीम क्लीम श्रीम स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ह्रीम शंखधारिणी द्राम द्रीम क्लीम श्रीम स्वाहा। एक अंतिम बार सुनिए, ओम ह्रीम शंखधारिणी द्राम द्रीम क्लीम श्रीम स्वाहा। इसकी इनकी साधना आप एक बार करें और उसके बाद रोज एक माला का जप करें तो आप लोगों को लाभ ये होगा कि आपके आसपास की व्यवस्था हमेशा बनी रहेगी और आप लोग साधना में ध्यान दे सकोगे। यक्षिणी बहुत ही मातृ स्वरूप में रखनी चाहिए। दूसरा, यक्षिणी साधना करने से पहले गुरु का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि कभी मैंने हमेशा बताया कि एंटिटीज जो होती हैं वो बहुत मूडियल होती हैं और वो कभी भी आप पर अटैक कर सकती हैं। तो आप इस इनकी साधना करें ताकि आप हमेशा आप परिपूर्ण रहें। दूसरा साधना शिविर जो है हमारा वो होने वाला है शिवपुरी में 13 और 14 जुलाई को। जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो वेबसाइट पे इवेंट सेक्शन में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। मात्र 10 लोगों के लिए जगह है। जो इनिशियल साधना सीखना चाहते हैं, जिनको रक्षाबंध और आसन बंद ना आता हो, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है वो मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन अमेजन और हर एक ऑनलाइन स्टोर पे पूरे विश्व में मिलती है, आप इसको खरीद सकते हैं। जिनको डायरेक्ट बात करना है वो मेरे वेबसाइट पे जाएं www.अघोरतंत्ररहस्य.com, उस पर आप अपॉइंटमेंट सेक्शन में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करें, उसमें रुद्रनाथ सर्च करें, आपको मुझसे डायरेक्ट बात हो जाएगी। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।